بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. जिन गुनाहों के अंदर इब्तिलाए आम हो जाए, बंदों की अक्सरियत मुब्तला हो जाए, तो उमूमी अजाब का सबब बनता है, अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनता है। उन गुनाहों में एक अहम गुनाह क़त्अ रहमी है। क़त्अ रहमी का मतलब रिश्ता तोड़ना, इसके मुकाबले में सिले रहमी है। सिला अरबी में जोड़ने को कहते हैं, रहीम अरबी में रिश्तेदारी को कहते हैं। रिश्तेदारियां तीन तरीके से वजूद में आती हैं। एक नसब की वजह से कि हम किसी की औलाद हैं, इसलिए रिश्ता है एक दूसरे के साथ, माँ के ज़रिए से भी, बाप के ज़रिए से भी। बाप के अज़्ज़ा उनके खून में शरीक होने की वजह से हमारे रिश्तेदार कहलाते हैं, माँ के अज़्ज़ा उनके खून में शरीक होने की वजह से हमारे रिश्तेदार कहलाते हैं। इसको नसबी रिश्तेदारी कहा जाता है, खून में शिरकत और औलाद होने की वजह से। दूसरे रिश्तेदारी बनती है दूध में शिरकत की वजह से। अगर दूध पिलाने के ज़माने में किसी ने दूध पिलाया है और वो पहले से नामहरम है, एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं, मगर दूध में शिरकत की वजह से रिश्तेदार बन जाए। किसी औरत ने अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई और बच्चा भूखा था, रो रहा था, या उसके वालिदैन नहीं थे, वालिदा नहीं थी, तो दूध पिलाना था। इस औरत ने उसको भी दूध पिलाया, तो अब इस दूध में शिरकत की वजह से यह लोग आपस में हकीकी रिश्तेदार बन जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो दूध पिलाने की मुद्दत में हो। जब इस्लाम में दूध पिलाने का भी एक ज़माना मुकर्रर है, उससे आगे बढ़ गई थी वो उम्र, तो उस दूध का कोई एतबार नहीं। जो दूध उस दौर में पिला, जो शीर खौरगी का ज़माना है, 2 साल या इख्तलाफी बुनियाद पर 2.5 साल, वहमलुहु वफिसालुहु 30 शहरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बच्चे का हमल और उसका दूध छुड़ाना 30 महीने में है। इसकी तफसीर तशरीह उलमा के नज़दीक मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल ये ज़माना है 30 महीने का। इसके बाद फिर दूध पिलाना दूध में शिरकत का सबब नहीं होता। अब ये दूध पिलाने से रिश्तेदारी बन गई। जिन दो गैर बच्चों ने एक औरत का दूध पिया है दूध पीने के ज़माने में,
तो वो आपस में एक दूसरे के लिए महरम हो गए, रिश्ता बन गया। अल्लाह ताला ने ये कानून बनाया है। तीसरा, रिश्तेदारी बनती है निकाह करने से। आपने किसी खानदान में निकाह किया, किसी की बच्ची से निकाह किया, तो वो पहले से रिश्तेदार हों तो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी और मजबूत होगी। लेकिन अगर वो पहले से रिश्तेदार नहीं है, कोई अजनबी है, तो भी अब आपके रिश्तेदार बन गए। वो लड़की के लिए अपने शोहर के रिश्तेदार आइज़ा उसके रिश्तेदार हैं, लड़के के लिए अपनी बीवी के आइज़ा उसके रिश्तेदार हैं। यूं तीन जरियों से रिश्ता बनता है। इन रिश्तों की हिफाजत, इनके हुकूक अदा करना दर्जा बदर्जा लाजिम और ज़रूरी है। सब रिश्तेदारों का हम पर हक होता है, लेकिन उनके दर्जे हैं मरातिब। जाहिर है कि जो हक माँ बाप का है वो दूसरों का नहीं होता। जो दूसरों का है उनसे दूर जो रिश्ता चला गया है उनका नहीं होता। जैसे अगर हमारा पड़ोसी मुसलमान भी है रिश्तेदार भी है, तो उसके तीन हक हमारे ऊपर है। पड़ोस में रहने का हक, मुसलमान होने का हक, रिश्तेदार होने का। और अगर वो रिश्तेदार नहीं है तो दो हक हमारे ऊपर होते हैं, मुसलमान होने का हक, पड़ोसी होने का हक। और अगर वो मुसलमान भी नहीं है तो एक हक उसका हमारे ऊपर है कि वो हमारा पड़ोसी है, उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको तकलीफ न दें। जो आराम पहुंचा सकते हैं वो आराम पहुंचाएं, क्योंकि हमारा पड़ोसी। इसी तरीके से रिश्तेदार हैं, अल अक्रब फल अक्रब, ये कायदा है। जो जितना नजदीक रिश्ता रखता है उसका हक उतना ज्यादा है, जिसका रिश्ता दूर होता जा रहा है उसका भी हक हमारे ऊपर है, उसी हिसाब से कम होता जाएगा। लेकिन ये अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। दीनी फराइज में से, दीनदारी के लाजमी तकाजों में से। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं, हो सकता है किसी के समझ में आता हो, किसी के नहीं समझ में आता हो, कि हम लोगों के अंदर ये गलत फहमी आम हो गई है कि दीनदारी नमाज रोजे की पाबंदी का नाम है, बस उससे आगे कुछ भी नहीं। हालांकि ये दीन में दाखिल है कि आप अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करें, ये दीन ही है, दीन में दाखिल है, दीनदारी का तकाजा है। आप दीनदार बनना चाहते हैं तो ये भी करना पड़ेगा। अगर आप का कोई अजीज बीमार है, आपने उसकी इयादत नहीं की, इयादत के लिए थोड़ा टाइम निकल सकता था, आपने सोचा कि भाई ये थोड़ा वक्त तो है मेरे पास, लेकिन इसमें मैं तिलावत कर लूं, अल्लाह का कुरान पढ़ लूं। तिलावत करने पर आपको सवाब नहीं मिला, उल्टा मुआखजा होगा कि इयादत करने क्यों नहीं गया था, उसका सवाल होगा अल्लाह के पास। इसलिए उलमा ने फरमाया, दीनदारी अपनी ख्वाहिशात पे चलने का नाम नहीं है, दीनदारी अल्लाह रसूल की ख्वाहिश पे चलने का नाम है, अहकाम की पाबंदी करने का नाम है। अपना जो जी चाह रहा है वो अच्छा ही काम है, मगर अपना जी चाहना उसमें शामिल है। अल्लाह का हुक्म रद्द हो रहा है, इसलिए वो नफ्स की गुलामी है, अल्लाह की बंदगी नहीं। इसीलिए तो आदमी को अपनी निगरानी मुखलसाना रखना पड़ता है, अपना खैर ख्वाह हो खुलूस के साथ कि ये इतनी मेहनत करके हिसाब की पकड़ में फिर भी आ जाएंगे अगर हम वो मेहनत अहकाम की रोशनी में नहीं करेंगे। इसलिए बहुत से लोगों को इसका इल्म भी नहीं है कि एक वक्त में दो जरूरतें सामने आए तो किस पर अमल करना अल्लाह रसूल की मंशा है। अल्लाह रसूल की मंशा क्या है? आपकी मंशा कुछ भी होगी,
अल्लाह रसूल का मंशा क्या है, किस पर अमल करें। दो काम सामने आ गए, इसमें से अमल किस पे करना है। दोनों अच्छे हैं, दोनों जरूरी हैं, मगर हम इस बात को समझते नहीं। बंदों के हुकूक का मामला इतना नाजुक है कि अल्लाह ताला बसा औकात अपना हक माफ कर देता है ताकि बंदे का हक अदा कर दे, क्योंकि अल्लाह उसका मोहताज नहीं, बंदा मोहताज है। इसलिए अल्लाह ने मोहताज पे रहम कर दिया कि चलो भाई मैं मेरा हक छोड़ता हूं, इसका हक अदा कर। जैसे मिसाल के तौर पर घर में कोई बीमार हो, अभी कोई तीमारदारी करने वाला ना हो, आप ही उसको देख रहे हो, अजान हो गई तो अल्लाह का हक यह है कि फौरन मस्जिद जाए और नमाज पढ़े जमात के साथ। लेकिन चूंकि यहां बंदा जरूरतमंद है तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा हक माफ कर देता हूं, बंदे का हक अदा, यानी वही नमाज पढ़ लो रूम में और वही अपने बीमार को देखते रहो, वहीं पर करीब में रहो ताकि उसको तश्वीश ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए वही पढ़ लो नमाज। हालांकि अजान के बाद जिसको कोई उज्र नहीं है, मस्जिद आना वाजिब है क्योंकि हकुल्लाह है, ये अल्लाह का हक है कि उसकी पुकार पे दौड़ो, लेकिन अल्लाह अपना हक छोड़ रहा है बंदे की खातिर कि भाई बंदा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को पता है कि मुझे तो कोई किसी की जरूरत नहीं, बंदे को जरूरत है, लिहाजा जरूरतमंद का ख्याल कर लिया जाए, अल्लाह ने अपना हक छोड़ दिया। और ऐसी बहुत मिसालें हैं, वक्त नहीं कि मैं आपको मिसालें बताऊं कि कितनी जगहों पर हम अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ते हैं सिर्फ अपनी चाहत की वजह से, अपनी आदत की वजह से कि मेरा मामूल खराब ना हो जाए, मेरा कोई परेशानी ना आ जाए, कोई अपनी ख्वाहिश के खिलाफ ना हो जाए। तो दीन ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिश का नाम दीन नहीं, उसका नाम नफसानियत है, सिर्फ नफ्स की इत्तबा है उसका नाम, अल्लाह का बंदगी नहीं। अल्लाह और रसूल की बंदगी यह है कि वो जब जो चाह रहे वो करो, आपका दिल माने ना माने, वो जो चाह रहे वो करो, जो अल्लाह रसूल चाह रहे हैं वो करो, ये दीन है। लेकिन हम लोगों को, हमें बहुत दीनदारों को बड़ी गलत फहमी है, दीन का सही इल्म नहीं है। खूब मेहनतें दीन के नाम से हो रही हैं, लेकिन अल्लाह के यहां हमारे ऊपर हुकूक आते जा रहे हैं लोगों, हम उसका जवाब कैसे देंगे, वो कैसे अल्लाह की पकड़ से अपने को बचाएंगे। आप कहेंगे कि अल्लाह पाक मैं तो दीन ही किया ना, कोई गलत तो नहीं किया ना, आपके लिए ही किया, इखलास से किया, खुशी से किया, मुजाहिदा किया और कुर्बानियां दे के करा, फिर भी आप मुझे पकड़ रहे हैं। तो अल्लाह फरमाएंगे उतना सब किया था मगर मेरे लिए नहीं किया था, मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं किया था। अगर मेरे हुक्म के मुताबिक करता तो काम बन जाता तेरा। जैसे हम आम फहम मिसाल देते हैं कि जिलहज की 9 तारीख को जो लोग हज कर रहे हैं उन सबको रहना चाहिए अरफात में, जवाल से पहले पहले तक अरफात पहुंच जाना चाहिए, और वहां जाकर जवाल से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक अरफात के बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक मैदान है बहुत बड़ा, हदें मुकर्रर कर दी गई, बोर्ड लगे हुए हैं कि ये अरफात, उसके अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना है उससे, जवाल से लेके यानी दोपहर से लेके शाम तक, गुरूब आफ्ताब मगरिब किए यानी सूरज डूबने, मगरिब तो वहां पड़ी नहीं जाती लेकिन वहां सूरज डूबने तक रहना है। अब अगर एक शख्स ने देखा कि सारे लोग अरफात को जा रहे हैं तो मताह पूरा खाली पड़ा हुआ है, लिहाजा मैं यहीं पर रहकर खूब तवाफ करूं, नजदीक से करूं, काबे का गिलाफ पकड़ सकूं, हजरे अस्वद को बोसा दे सकूं और खूब दिल को खुश कर सकूं, इसलिए वो वहां पर रह गया। शाम तक 100 तवाफ किए, हजरे अस्वद का इस्तिलाम किया, हतीम में नफले पढ़ी, नमाजें भी वहीं अदा की जमात के साथ, सब किया, लेकिन अगर सूरज गुरूब हो गया तो इस बंदे का हज ही नहीं होगा, हज ही नहीं होगा, अगले साल करना पड़ेगा, हालांकि बाकी सब आमाल कर लिया,
वहां जाकर। और जो बंदा यहाँ इतना मुजाहिदा तो नहीं किया लेकिन टाइम पे अरफात में पहुंच गया और वहां जाके अपने खेमे में बिस्तर बिछा के सोता रहा और कुछ भी नहीं किया, नहीं नमाज पढ़ ली और सोता रहा, कोई मुजाहिदा नहीं किया, कोई इबादत नहीं की, तो भी उसका हज हो जाएगा। करना चाहिए दुआएं, तो करता तो आला दर्जे का होता लेकिन नहीं किया तो भी हो गया, हज तो हो गया, दूसरों की दुआओं में हिस्सेदार हो गया, दूसरों की दुआओं की बरकत से मगफिरत और बख्शिश उसकी भी हो गई जो पढ़ा ही रहा जाके और कुछ नहीं किया। क्यों? इस बंदे ने अल्लाह के हुक्म को नहीं पूरा किया, अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। इस बंदे ने अपनी ख्वाहिश को नहीं पूरा किया, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया। तो बंदगी नाम है इताअत और फरमा बरदारी। बंदगी में अपनी चाहत नहीं चलती, चाहे वो नेकी की चाहत ही क्यों ना हो, नेकी की चाहत। एक आदमी आया बहुत परेशान, बीमार, हैरान था, आपको नजर आया कि साहब इसको बहुत वाकई बहुत सख्त जरूरत है, इसकी मदद करना चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे इतने नहीं हैं कि अपने घर की जरूरत पूरी करके उसकी मदद कर सके। तो आपने सोचा कि घर वर का बात में देखेंगे, इसको दे दो पहले। तो आपने दे दिया, इखलास से दिया, अल्लाह के वास्ते दिया, लेकिन इसको ये पैसा दे देने से घर वालों को जो तकलीफ हुई अल्लाह उसका हिसाब लेगा कयामत। इसको ना देता तो अल्लाह सवाल ना करता तुझसे, लेकिन वहां ना खर्च करने पर अल्लाह हिसाब ले। क्यों? इनको देना वसत पर मौकूफ था, गुंजाइश है तो देने सवाब की बात थी, लेकिन घर वालों पर खर्च करना वो अल्लाह का फरीजा था, जिम्मेदारी थी अल्लाह, इसलिए वहां नहीं दिया यहां दे दिया। ठीक है, हाँ अलबत्ता ये कर सकते हैं, आपका जी चाह रहा था कि आप नई चप्पल खरीद लें, लेकिन आपने देखा कि एक जरूरतमंद है, उसको बेचारे को बहुत सख्त जरूरत है, तो आपने सोचा हम चप्पल अब नहीं खरीदेंगे, इसकी मदद कर देंगे। तो ये इशार है कारे सवाब है, ये फैसला सिर्फ आप अपनी हद तक कर सकते हैं, बीवी के लिए नहीं कर सकते, बच्चों के लिए नहीं कर सकते। इशार का फैसला कि इशार कर देंगे उनकी तरफ से, ये उनका हक है कि वो करे ना करे। हाँ आप अपने लिए कर सकते हैं इशार का फैसला कि भाई मैं नहीं खरीदूंगा नई चप्पल, गरीब को दे दूंगा ये पैसे, अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर बीवी को जरूरत है और आप कहेंगे कि नहीं दिलाऊंगा खैरात कर दूंगा, तो ये खैरात मकबूल नहीं है, सवाब नहीं मिलेगा, अजर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आखिरत में पछताना पड़ेगा अपनी इन दीनदारियों पर जिसको गलत फहमी से दीन समझते रहे, गलत फहमी से, कम इल्मी से हम इसको दीन समझते रहे, पछताना पड़ेगा। अल्लाह सवाल करेगा, जवाब देना, जवाब नहीं देंगे तो सजा भी मिल सकती है, माफी भी हो सकती है, अल्लाह का हक है वो, लेकिन सजा भी मिल सकती है। सोचना पड़ेगा, दुनिया में जो कदम उठाओ, जो अमल करो, जो बात बोलो, पहले सोचो कि ये अल्लाह के यहां मकबूलियत के मकाम पर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तभी पहुंचेगी जबकि वो शरीयत और सुन्नत के तहत में हो, अगर शरीयत और सुन्नत के तहत में नहीं है तो नहीं पहुंचेगी, चाहे आपने कितने खुलूस से किया होगा, चाहे आपने कितने ही इखलास से किया होगा। इस मामले में बहुत अल्लाह के बंदे अपनी अकलों से फैसला करके या अपने जैसे जाहिल साथियों के फैसलों की बुनियाद पर अल्लाह के दीन के बजाय अल्लाह को नाराज करने का काम करते हैं। जैसे देखो हदीस पाक में है कि शोहर अगर अपनी बीवी को तलब करे रात में साथ में सोने के लिए और उसकी बीवी किसी शरई उज्र के बगैर, शरई उज्र हो तो अलग बात, किसी शरई उज्र के बगैर उसकी इस हुक्म को पूरा न करके मुसल्ला बिछा के रात भर नमाज पढ़ती रही, तो फरमाया गया है कि रात भर
फरिश्ता उसके सरहाने उसके ऊपर लानत करता, क्योंकि इस वक्त अल्लाह अपनी बंदगी को छुड़वा कर अपने बंदे का हक अदा करने को फरमाया था। इसलिए इशार अल्लाह ने कर दिया कि ठीक है भाई, रातों में मेरे लिए नफले पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त तुम्हारे शोहर को तुम्हारे सुकून पहुंचाने की जरूरत है, उधर जाओ, मुसल्ले पे मत रहो, यहां रहोगे नाराज हो जाऊंगा, वहां से आके सो जाओगे खुश हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह अपने हुक्म को चलाना चाहता है, आपका हुक्म चलाना अल्लाह को नहीं पसंद। हम अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, अल्लाह अपना हुक्म चला, इसकी इजाजत शरीयत हुक्म है कि अगर औरत खाना बना रही हो, हांडी चूल्हे पर हो, शोहर तलब करे तो हांडी उठा के नीचे रख दे, चूल्हा बंद कर दे और शोहर के पास पहुंचे, जी क्या हुक्म है, पहुंच जाएगा। लेकिन नहीं, बस अपना अपना चला रहा है, हर बंदा अपना चला रहा है, हर बंदी अपना चला रही है, अल्लाह की कौन सुनने को तैयार है, नबी की कौन सुनने के लिए तैयार है। इसी तरीके से हुकूक होते हैं, हम इसको नहीं समझते। हम मस्जिद में नमाज पढ़ के जिक्रुल्लाह में बैठे हुए हैं, हमारी माँ ने कहा था कि बेटा नमाज पढ़ के आते हुए तरकारी लेके आना, फला चीज लेके आओ बाजार से, तो आपका जिक्रुल्लाह में बैठना अल्लाह के गुस्से का सबब है, आपका सब्जी लेके मां को पहुंचाना अल्लाह की खुशी का सबब। दीन क्या है वो आप नहीं तय कर सकते, दीन क्या है वो अल्लाह के नबी ने तय कर दिया कि ये दीन है और ये बेदीनी है। जिसको आप दीन समझ रहे बेदीनी है, मगर आपको पता नहीं है कि ये बेदीनी है ये दीन है, आपको पता नहीं, आप समझ रहे अल्लाह खुश हो रहा अल्लाह नाराज हो रहा। तो मेरे अजीज दोस्तों, जिन गुनाहों की वजह से हम लोगों के ऊपर अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह का गजब और अल्लाह का गुस्सा उतरता है, उनमें एक अहम रिश्ता तोड़ना है, रिश्ता तोड़ना। क्योंकि किसी से आपको तकलीफ पहुंची तो आप चाह रहे हैं कि साहब अब उनसे मिलना नहीं है, इनकी सूरत नहीं देखना है, इनके घर नहीं जाना है, ये नहीं है, वो आपकी चाहत है। लेकिन अल्लाह की चाहत यह है कि कितनी भी तकलीफ पहुंचे अगर वो रिश्तेदार है तो फैसला करना होगा कि मेरी चाहत पे चलूंगा या अल्लाह की चाहत पे। खुदा का बंदा है तो खुदा की चाहत को पूरा कर, नफ्स का बंदा है तो अपने नफ्स को खुश करो, उसकी 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 बंदगी करो। नफ्स न तुम्हें नजात दे सकता है, नफ्स न तुम्हारी मगफिरत कर सकता, खुद ही फंसने वाला है, तुमको क्या बचा के ले जाएगा। हाँ अल्लाह हमें बख्शते हैं, अल्लाह के हाथ में सब है, अल्लाह अता फरमाने वाले हैं, अल्लाह देने वाले हैं, मालिक हैं, मुख्तार हैं, उनको नाराज करके कभी भी हम सुरखुरू नहीं हो सकते। रिश्तेदारियों का एहतराम, खून की रिश्तेदारी पर तो अल्लाह ताला ने बहुत खास करम फरमाया हुआ है, बहुत खास कर। लेकिन बहुत से लोग हैं माशाल्लाह नमाज के पाबंद, तहज्जुद के पाबंद, तिलावत करते हैं, जिक्र करते हैं, अच्छे काम करते हैं, दीन की मेहनतें करते हैं, अल्लाह के बंदों को गुनाहों से निकाल के दीन पे चलाने की फिक्रें करते हैं, लेकिन खुद रिश्ता तोड़े हुए हैं, तौफीक ही नहीं हो रही है कि कभी इस मामले की सफाई कर ले। बरसों निकल गए, अदावत और मजबूत हो गई, नफरत की दीवार और पुख्ता हो गई, दूरियां और ज्यादा बढ़ गई, मगर परवाह नहीं है कि साहब हम इस मामले में अल्लाह को क्या जवाब देंगे, अल्लाह के सामने हमारा उज्र क्या है कि हम अल्लाह से ये कहें और अल्लाह उसको कबूल कर ले, क्या उज्र है हम। इसलिए जो अल्लाह के बंदे हैं माशाल्लाह, जिन्हें अल्लाह पाक ने दीन की सूझबूझ अता फरमाई है, हुदूद पर रहने का फिक्र और खौफ अता फरमाया है, ऐसे भी बंदे हैं, ऐसे लोगों से जिनके बारे में उनका तासुर यह था कि ये हमारे जान के दुश्मन हैं,
जब पता चला कि साहब रिश्तेदारी का मसला बहुत नाजुक है, उनसे भी जाके मुलाकात, उनको भी जाके हक अदा कर दिया कि भाई हम मिलने आ गए, कैसे हैं आप, अच्छे हैं, भले हैं, अल्लाह खुश रखे अपने जान के दुश्मनों को भी। क्यों कि दुनिया में जो होना है वो होगा और सामने वाला क्या कर रहा है उसका मेरे जिम्मे हिसाब नहीं है, मेरा हिसाब मुझे अल्लाह को देना है, इसलिए मुझे सही रहना है, मुझे दीन पे मरना है। ऐसी जिंदगी अल्लाह नसीब कर दे कि हम अल्लाह को पसंद आ जाए, ये अच्छा बंदा है मेरा, ये मेरा बंदा मेरा है, अल्लाह को पसंद। जैसे कहा गया है तौहीद तो ये है कि खुदा खुद हश्र में कह दे कि बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, अल्लाह के लिए कर रहे हैं हर काम, दुनिया खुश होती है नाराज होती है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा अल्लाह राजी रहना चाहिए, हमारा अल्लाह खुश रहना चाहिए। दुनिया को कब तक खुश करोगे, ना दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी ना तुम दुनिया के साथ रहोगे, या वो छोड़ेंगे या हम छोड़ेंगे, कब तक खुश करोगे, कैसे खुश करोगे। हाँ किसी को हम अपने से नाराज भी नहीं करते, हम किसी मुसलमान को क्या, किसी इंसान को क्या, किसी जानवर को भी नहीं सताते, हम किसी मुसलमान है हम किसी को तकलीफ नहीं देते, हमसे जानदार भी हैवान भी बेजार नहीं है, इस वास्ते कि हम मुसलमान हैं, हम किसी को नहीं सताते, हम किसी को तकलीफ नहीं देते, फिर हैवान से बढ़कर इंसान है और इंसान से बढ़कर मुसलमान है, हम किसी को भी तकलीफ नहीं देते। पर हमारे दीन पे चलने से किसी को तकलीफ होती है तो हम उसकी परवाह भी नहीं करते। मैं दीन पे चलना चाह रहा हूं, किसी को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो उससे उसकी क्या परवाह है आपको। अगर मैं अच्छा कमाना चाह रहा हूं, बड़ी नौकरी मिली है उस पे जाना चाह रहा हूं और दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप छोड़ेंगे क्या उनकी वजह से, आप कहेंगे वो बला से नाराज हो, मैं क्यों, जो मैं मेरा फायदा है मैं जाके अपना फायदा देख लूंगा, अच्छी नौकरी मिल रही है काहे को छोड़ू मैं, वो नाराज ये नाराज, उनको हसद उनको जलन होते रहने दो। तो अपनी दुनिया में तो ये समझदारी, और जब दीन की बात आई तो नहीं फला आदमी को तकलीफ हो रही, उनको अच्छा नहीं दिख रहा, इनको अच्छा नहीं दिख रहा, इस वजह से दीन छोड़ दो। दुनिया नहीं छोड़ी किसी की वजह से, नाराज होते हैं तो हो जाने दो उम्र भर के वास्ते, मैं क्यों अपना नुकसान करूं। दीन में ऐसी समझ क्यों नहीं आ रही भाई, दीन में भी तो ये समझ, बल्कि दीन दुनिया में दूसरों के खातिर थोड़ा इशार कर सकते, लेकिन दीन में दूसरों के लिए अल्लाह को नाराज करने का कौन सा जवाब है, कहां इसकी गुंजाइश है, किसी ईमान वाले के नजदीक इसकी गुंजाइश है। लेकिन हो यही रहा है समाज में, हम लोग सब मिलके यही कर रहे हैं, दुनिया में नासमझी कहीं नहीं कर रहे, दीन में नासमझी की जिंदगी गुजार। इसलिए अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से किसी से हमारा रिश्ता टूटा हुआ है तो जोड़, इतने हालात बुरे आ रहे हैं, इन हालात के लिए क्या सोच रहे हैं मुसलमान भाई, यही सब करना है, जो जो बातों से अल्लाह नाराज हो सकता है उन उन चीजों का जायजा लेना है और उसकी दुरुस्तगी करना, इससे भी अल्लाह बहुत नाराज होता है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने उन्हें फरमाया कि लन यंजिल अल्लाह रहमतहु अला कौमिन फीही काति'उ रहीमिन, अल्लाह अपनी रहमत को हरगिज नहीं उतारता उस खानदान पर जिसमें रिश्ता तोड़ने वाला हो, उस पर अल्लाह रहमत नहीं उतारता। अब कितनी नमाजें पढ़ के सलातुल हाजत पढ़ के रहमत मांग रहे, अल्लाह देना चाह रहा, रास्ते में रिश्तेदारी अटकी हुई, क्यों रिश्ता तोड़े हुए हो, आ रही रहमत वही रुक जा रही है, आप लेना भी चाह रहे हैं अल्लाह देना भी चाह रहे हैं, लेकिन आपकी कतअ रहमी का जुर्म अल्लाह की रहमत को रोक रहा। लन यंजिल अल्लाह रहमतहु अला कौमिन फीही काति'उ रहीमिन,
जिसमें रिश्ता तोड़ने वाला है उस घर पे अल्लाह की कोई रहमत नहीं। और रिश्ते बहुत लोग तोड़े हुए हैं, मुख्तलिफ सूरतों से तोड़े हुए हैं। कहीं किसी वजह से नाराज हो गए, रिश्तेदारी में हमने अपनी बेटी को दिया था, अनबन हो गई, नहीं जमा, तलाक हो गई तो तलाक हो गई, रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ। आपके बेटे की, आपकी बेटी जो मियां बीवी थे, अब वो मियां बीवी नहीं रहे, बस इतना ही तो हुआ। बाकी खाला थी तो खाला बाकी है, फूफी थी तो फूफी बाकी है, मामू था तो मामू बाकी है। उसको कैसे इस वजह से आप कतई ताल्लुक करेंगे कि हमारे बेटे हमारी बेटी का रिश्ता टूटा है इसलिए अब हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे बंदे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा सदमा बाप को मां को पहुंचा कि बेटी तलाक पा के घर आ गई, लेकिन उन रिश्तेदारों की हक तल्फी उन्होंने नहीं की, फिर भी उनके हुकूक अदा कर, फिर भी उनके साथ हुस्न सुलूक रखे हुए, अच्छे बुरे में शरीक हैं। क्यों? इस वास्ते कि वो अल्लाह की पकड़ में आना नहीं चाहते, अल्लाह की पकड़ में नहीं आना चाहते। ये मुसीबत मुकद्दर थी, अल्लाह ताला अजर दे देगा, लेकिन हम हक तल्फी करके अल्लाह की पकड़ में नहीं आए। हम बराबर अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करेंगे चाहे कितनी तकलीफ हो। अब ये लोग जितनी दफे हदिया भेजते होंगे, कुछ खाना बना के भेजते होंगे, कभी मिलने जाते होंगे, उतनी दफे अपनी बेटी का सदमा याद आता होगा और उनका दिल जख्मी होता होगा, लेकिन हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारा अल्लाह नाराज ना हो, हम इसलिए इसको भी बर्दाश्त। ये वल्लदीना जाहदू फीना, जो लोग हमारी खातिर मुजाहदा करते हैं, हमारी खातिर तकलीफें उठाते हैं, लेकिन नहीं, हम तो तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि काफिर से भी दोस्ती रहेगी मगर वो रिश्तेदार से नहीं रहेगी। क्यों? इस वास्ते कि भाई हमें तकलीफ पहुंची है, अल्लाह को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं, इसकी आपको कोई परवाह नहीं। आपको तकलीफ पहुंचाने वाले को अगर सजा मिलनी चाहिए और आपकी रिश्तेदारी से उसे महरूम होना चाहिए, तो अल्लाह को सताने वाला अल्लाह अपने रिश्ते से आपको दूर कर दे, तो फिर क्या करें। और हदीस में यही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जब रहीम को पैदा किया रिश्तेदारी को, तो ये अल्लाह के अर्श से लटक कर पूछने लगी कि मुझे आपने पैदा किया है, आप तो हक देने वाले हैं, मुझे क्या हक दे रहे हैं आप? तो अल्लाह ने फरमाया, जो तुझे जोड़ के रखेगा मैं उसे अपने से जोड़ के रखूंगा, और जो तुझे तोड़ेगा तो मैं भी उसको तोड़ के रखूंगा। इतना बड़ा हक अल्लाह ने रिश्तेदारी को अता फरमाया, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। दोस्ती नहीं टूटना चाहिए, रिश्ता चाहे टूट जाए। दोस्तों से इतना भला हो रहा है, इतना भला हो रहा है कि रिश्तेदारों की हम तल्फी हो रही है। लोग भाई कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारा कोई भाई नहीं है, यही हमारा भाई है। क्यों? अल्लाह ने उसे भाई बनाया तो आपको कबूल नहीं है, आपने किसी को भाई बना लिया है तो आपको उसका एहतराम है, उसका हक का एहतराम है, उसकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के करीब लोग माँ के मुकाबले में अपनी बीवी को तरजीह देंगे और बाप के मुकाबले में अपने दोस्त को तरजीह देंगे। तरजीह देने का मतलब यह है कि जो बीवी का हक है वो अदा करो, लेकिन उसके खातिर वालिदैन को नाराज मत करो, उनके भी हुकूक अदा करो। हाँ, माँ बाप के जो हक है शरई वो अदा करने के बावजूद भी वो अगर नाराज हैं कोई गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कयामत में उनको राजी करा देगा, देखो भाई तुम्हारी गलती थी, तुम्हारे बेटे की गलती नहीं थी, माफ करो, चलो किस्सा खत्म। अल्लाह राजी करा देगा, बशर्ते कि हमने उनकी हक तल्फी न की। अब जब हक तल्फी की बात आती है तो लोग फिर बीवियों का हक तलफ करके अपने माँ बाप और अपनी बहनों भाइयों के तरफदार हो जाते हैं और उसको बेचारी को बेसहारा और बेसुकून करके छोड़ दो। तो
तो ये भी जायज नहीं है, वो भी जायज है। हुदूद पे रहो। इसीलिए शरीयत ने कहा है जहन्नम पर जो पुल सिरात बनाई गई है आलम मिसाल में वही पुल सिरात का नाम दुनिया में शरीयत है। तुम शरीयत पे चलो, इतना बारीक काम है, इस पे चलो वहां कामयाब हो जाओगे। अगर यहां नहीं चल सके, गिर गए फिसल गए, वो जहन्नम के ऊपर के पुल पर भी फिसलोगे और जहन्नम में गिरोगे। और अगर यहां शरीयत को एहतराम करने में कामयाब हो गए तो तुम इस पुल पे से निकल गए, उस पुल पे से भी निकल गए। यह है शरीयत का एहतराम और यह है सुन्नत का एहतराम। लेकिन हम उसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं, इस वास्ते कि जब पुल सिरात के सामने खड़े तब सोचेंगे कि हमको करना क्या चाहिए, तब सोच के क्या फायदा है, उसमें गिरना चाहिए और क्या निकलेगा नतीजा, कुछ भी नहीं। गिरेगा पुल पे से तो नीचे जहन्नम है, जहन्नमी में गिरेगा। इसलिए उस पे गिरना नहीं है, निकलना है। वो आसानी से निकलेगा जिसने शरीयत की पुल सरात पार की है, वो आखिरत की पुल सरात भी पार कर कर। तो रिश्तेदारी के बारे में अल्लाह से डर। बुखारी शरीफ में हदीस है, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھے, ٹوٹنے نہ دے۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن الى جاره, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کو عزت دے اور ان کا اکرام۔ یہ دین نہیں ہے, یہ حضور کے ارشادات دین نہیں ہے, لیکن ہم کو اس میں دین کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ ہم کو مصلب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں ہی دین نظر آتا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ دین نہیں ہے, یہ حضور کے ارشادات۔ اگر ایمان والے ہو تو یہ کرنا پڑے گا, اتنی تنبیہ تاکید۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو رشتے جوڑ کے رکھو, اگر تم ایمان رکھتے ہو تو مہمان کا اکرام کرو, اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پڑوسی سے حسن سلوک۔ مہمان کا اکرام کیا ہے بھائی؟ جس رشتہ دار سے آپ کو اختلاف ہے اگر وہ آ جائے, اپنے دل پہ جبر کر کے ان کو عزت دو, ان کا دل خوش کرو, انہیں کھلاؤ پلاؤ اور انہیں رخصت کرو محبت سے, عزت سے۔ یہ اکرام ہے مہمان۔ اب آپ کا حال یہ ہے, اللہ کے بعض بندوں کا جو مسلمانوں میں چل رہا ایسا حال ہو گیا ہے, ایک غیر مسلم پارٹنر ہے وہ آ گیا تو بھرپور ویلکم کیا, اس کو بٹھایا, دسترخوان بچھایا, کھلایا, دل خوش کیا اور اکرام کیا۔ اور شام کو آپ کا سگا بھائی جس سے آپ کو اختلاف ہے وہ آ گیا تو دوسرے دروازے سے نکل کے چلے گئے اور اسے بول دو کہ میں گھم گھر میں نہیں۔ یہ ہے ایک مہمان کا اکرام کر رہے ہو جس کا حق صرف مہمان ہونے کی حیثیت سے, اور ایک مہمان کا اکرام کرنے کے لیے تیار نہیں جس کا حق مہمان کی حیثیت سے ہے, مسلمان کی حیثیت سے ہے, رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے ہے, خون میں شریک ہونے کی حیثیت سے, اس سے نہیں کرنا چاہ رہا۔ پھر اس کو ہم بہت اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھ رہے ہیں, سب بڑے دیندار ہیں, ہم ٹوپی پہنتے ہیں اس لیے بہت دیندار ہیں, داڑھی رکھتے ہیں اس لیے بہت دیندار ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ سمجھ کتنی ناقص سمجھ ہے ہماری۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹوپی نہیں پہنے, ہم تو کہہ ہی رہیں گے بھائی مسلمان ہو, مسلمان دکھتے رہو ہر جگہ۔ آپ مسلمان نظر نہیں آنے سے یہ مٹھی بھر مسلمانوں کو ہم کاٹ کے پھینک دیں گے, مار کے پھینک دیں گے۔ دیکھو اپنی داڑھی سے, دیکھو اپنی ٹوپی سے, دیکھو عددی قوت, مین پاور اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اپنے کو دکھاؤ, مسجدوں میں آؤ,
हर नमाज के बाद भीड़ की भीड़ निकलो मस्जिदों में से, जैसे जुमे के दिन निकलते हो, पांच वक्त निकलो ताकि आंखें देखें कि 10-20 मुसलमान नहीं है, इतनी बड़ी तादाद है, आसान काम नहीं है इनसे। कुछ ना करते जमात की नमाज ही की पाबंदी कर लेते तो अल्लाह रौब दिल में डाला, रौब, लेकिन निकाल लिया अल्लाह ने रौब उनके दिलों में से, हमारे दिलों में रोग डाल दिया है, उनके दिलों से रोग निकल गया है। हमारे मुल्क के एक मुस्लिम सहाफी हैं, अकीदा क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन नाम तो मुस्लिम है, अखबारों में लिखते रहते हैं और अच्छा लिखते हैं मुल्क के हालात में, लेकिन किसी की भी राय हमेशा और हर मामले में सही होना जरूरी नहीं है, मगर बहरहाल नजर है उनकी हालात के ऊपर। उनका बयान आया कि साहब 2-3 मस्जिदों के सिलसिले में इस वक्त में जो कुछ हो रहा है वो प्री प्लान्ड है और एक सिस्टम से चल रहा है, और हशर वही होना है जो आप कल देख चुके हैं, एक मस्जिद का वही हशर इसका भी होना ही है, ये सब तयशुदा मसला है, मुसलमान हिकमत अमली से मुकाबला कर, मुसलमान सब्र कर लेना, तय कर ले पहले। तो खैर उन्होंने बिचारों ने मुसलमानों की सियासी और समाजी हालत पे रहम करके ये मशवरा दिया होगा, लेकिन क्या यही मसले का हल है? कब तक सब्र करोगे, कहां तक? असल मसला यह है कि हम अपने अल्लाह से सुलह नहीं कर रहे। जब तक आप नमाज पढ़ते थे आपकी मस्जिदें महफूज थी, अब आप नमाज पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मस्जिदों की जरूरत क्या है? जब नमाज पढ़ना नहीं चाहते तो क्या जरूरत है? आप बोलेंगे इतने सारे लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, हर मस्जिद में जाकर 5 वक्ता नमाजों में देख लो सिवाय 1 सफ, 2 सफ, 2.5 सफ के नहीं। एक इमाम साहब हैं, अभी मुझे सफर में मिले थे 2 दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि भाई जिस मस्जिद में इमामत कर रहा हूं अक्सर मैं और मौजिन साहब ही नमाज पढ़ते हैं, एक भी मुसल्ली नहीं पढ़ता नमाज, हम ही पढ़ते हैं, और जुमे के दिन तो वहां कोई आता भी नहीं, मगर इमामत कर रहा हूं बस, किसी ने रख दिया है तनख्वाह दे रहे इमामत कर, मेहनत क्यों नहीं कर रहे भाई? तो बोले मेहनत कर रहे हैं, जोहर में असर में 2-4 को ला रहे हैं, बाकी आने को नहीं तैयार है मुसलमान, क्या क्या? तो मस्जिद की क्या जरूरत है कि अल्लाह हिफाजत करके दे आपको मस्जिद, अब नमाज ही नहीं पढ़ना है तो मस्जिद की हिफाजत की क्या? एक इमाम साहब कह रहे हैं मैं 46 बरस से इसमें इमामत कर रहा हूं, अब मुझे नोटिस मिल गई है कि नहीं होगी नमाज, लॉक डाल दिया गया है, सरकार के कब्जे में चली गई है और अब हम घर जा रहे हैं। 46 बरस इमामत कर रहा है तो क्यों महरूम कर दिया गया उस मस्जिद में जो निसफ सदी के बाद अल्लाह ने ताला लगवा दिया, क्यों हो गया ऐसा? हम लोग इबादत नहीं कर रहे, हम लोग नमाजों का एहतमाम नहीं कर रहे हैं। अभी भी अगर हम एक एक बंदे को यहां इतने मुसलमान हैं पूछें क्या भाई आप राजी हैं कि कल से नमाज आज ही से 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे नमाज, तो नहीं तैयार है मुसलमान, ये मजमा नहीं तैयार है। क्यों? इस वास्ते कि अभी असर में देख लो कि ये मजमा रहेगा कि नहीं रहेगा नमाज, हर मस्जिद की असर में जाके देख लो जुमे के दिन कहां गए मुसलमान, कहां गए नमाजी, हर मस्जिद में जुमे के दिन असर की नमाज देख लो आप कितने लोग हैं, अब फजर की देख लो कितने लोग हैं। क्या आप पर वही आई है कि आपको सिर्फ जुमा फर्ज किया गया है, या वही नबी पर आती थी और नबी ने बताया कि 5 वक्त की फर्ज है, सिर्फ जुमे की नहीं फर्ज हुई है, 5 वक्त की फर्ज है। जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं वो घटते जा रहे और नहीं पढ़ने वाले बढ़ते जा रहे, क्या करेंगे मस्जिदें रख के, क्या करेंगे अजाने देकर, किसको बुलाएं, कौन आता है अजान सुन के? वही जो बाकायदा पाबंद नमाज का है,
अगर अजान हो भी तो आ जाएगा, इत्तेफाक से अजान हो तो भी आ जाएगा, क्योंकि वो तो तय किया हुआ है कि मुझे पांच वक्त नमाज पढ़ना है, मस्जिद जाके पढ़ना है, वो आ जाएगा। आके पूछेगा क्या बात है भाई आज अजान नहीं हुई, मगर आ जाएगा वो। और जिसको बुलाने के लिए अजान दी जा रही है उसे आना ही नहीं है, उसे आना ही नहीं है, देते रहो, 50 साल से दे रहे हैं, यहां 450 साल हो गए हैं कि दक्कन पर मुसलमानों ने हुक्मरानी शुरू की थी। 400 बरस से जायद अरसे तक आसफिया और उससे पहले कुतुब शाही दौर इख्तदार मुसलमानों का रहा है, यहां तब से अजा हो रही है ना, लेकिन अब भी 95% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, अब भी नहीं पढ़ते। 400 साल से हैदराबाद में अजा हो रही है, तो अजा किसके लिए दी जाए? अल्लाह ताला बंद कर रहे हैं हर चीज को, हमें आजमाइश में डाल, अल्लाह हमें आजमाइश में डाल रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब तुम अल्लाह को छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हैबत तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से निकाल लेगा और तुम्हारे दिलों में हैबत डाल देगा, जैसे मैंने गुज़िश्ता जुमे को बताया, वहन पैदा कर देगा, यानी मौत से हैबत पैदा हो जाएगी और सामने वाले के दिल में हमारा डर खत्म कर दिया जाएगा। उनको परवाही नहीं है कि ये खुश हो रहे हैं कि नाराज हो रहे हैं, कितना दिल दुख रहा, कितनी तकलीफ हो रही, कितना मुसलमानों को सदमा पहुंच रहा। अल्लाह ने हैबत निकाल दी तो उनको डर क्या है, उनको कोई एहसास ही नहीं है। क्यों निकाली अल्लाह ने? इसलिए कि हमने नमाज खुद छोड़ी है, हमने अजान की खुद तौहीन की है। ये तौहीन नहीं है कि अल्लाह बुला रहा हो और हम अपनी जगह से उठ ना रहे, ये तौहीन नहीं है। अल्लाह के बुलाने पर अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ये क्या तौहीन नहीं है अल्लाह की? अल्लाह तो सदियों हमें बर्दाश्त करता रहा, अब उसने डोरी खींची, हालात बदल रहे हैं, हर किसी से उम्मीद नहीं है कि अच्छी बात बोले, जो जुबान खोल रहा है झूठ बोल रहा है, जुल्म की बात कर रहा है, तकलीफ की बात कर रहा है, इंसाफ की बात करने वालों को कान तरस रहे हैं कि कोई इंसाफ की भी बात। ये हालात है, ऐसे हालात में भी अगर हम नहीं संभले, अपना हाल दुरुस्त नहीं किया तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए अजीजों दोस्तों, एक तो पंच वक्ता नमाजों की बाजमात अदायगी का सब मर्द इरादा करें, और जैसे अब आप जुमे में इतनी बड़ी तादाद में ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड फ्लोर पर तक भर जाते आ जाते इतनी बड़ी तादाद में, तो बेशक इसमें से कुछ लोग दूसरे मोहल्लों के भी हैं, खुतबे में शिरकत के लिए आए हुए, वो उनको कम कर दो तो भी कम से कम इस मस्जिद में पहली सब से लेके वजू खाने तक और फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ अकबर बाग के मुसलमान, वो भी दूसरी मस्जिदों के नहीं इस मस्जिद के, आ जाए नमाज की पाबंदी कर ले तो क्या बड़ी बात है। काहे के लिए इतनी बड़ी मस्जिद बस्ती में बनी हुई है? काहे के लिए इस मस्जिद में एयर कंडीशन लगा हुआ है? काहे के लिए इस मस्जिद में कीमती कालीने बिछी हुई है? क्या भाई दुनिया को दिखाना है? क्या मसाजिद के कॉम्पिटिशन करना है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के करीब मसाजिदुहुम आमिरतुन, मस्जिदें तामीर से आबाद होंगी, हिदायत से खाली, एक से एक शानदार खूबसूरत मीनार, एक से एक शानदार खूबसूरत मस्जिदें, लेकिन हैं कितने मुसल्ली नमाज पढ़ने के वास्ते, कितने लोग उसमें नमाज पढ़ते, बस जुमे के लिए सब इंतजाम करके रखना है कि जुमे को पब्लिक आती है, जुमे को भर जाती है मस्जिद, इसलिए कर। एक जगह 3 करोड़ के सर्फे से मेदक शहर में एक मस्जिद बन रही थी, बहुत बड़ी मस्जिद, सिर्फ नीचे दुकानें 32 दुकानें नीचे, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मस्जिद बन रही। तो एक दफे हम गए जो साहब बना रहे थे,
उनकी ख्वाहिश थी कि भाई एक नजर कभी आप देखिए क्या हो रहा है। हम गए वहां पर तो मस्जिद में दाखिल हुए। उस मस्जिद के अंदर पहला तो दाखिल होते ही एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि इस मस्जिद में तबलीगी जमात को दाखिला ममनू है। चलो ठीक है, एक बात मालूम हुई। हमने नमाज नहीं पढ़ी थी असर की, यानी सफर गए तो वहीं पहुंच के पढ़ लेंगे, तो हम लोग वजू बना रहे थे और भी महामहल्ले के एक दो हजरात मेरे साथ थे। हम वजू बना के खड़े हुए, इतने में मगरिब की तैयारी के लिए मुअज्जिन साहब दाखिल हुए, बड़े मियां ज़ईफ। हमारे ऊपर नजर पड़ी दो तीन आदमी, तो हमारी शक्लें देख के दरवाजे में से चीख के पूछने लगे, आप लोगों को इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिख रहा, आप लोगों को मस्जिद में आना मना है। हमने कहा कि ज्यादा गड़बड़ मत करिए, आपके सदर साहब को बुलाइए, अगर हमको मस्जिद में आना मना है तो इंशाल्लाह आगे का काम भी नहीं होगा। जो बना रहा है वो मुसलमानों के लिए बना रहा है, तुम कौन फतवे देने वाले, रोकने वाले, मना करने वाले। तो वो सहम गए। फिर थोड़ी देर के बाद इमाम साहब आए। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये है, इतनी बड़ी मस्जिद जिसमें कम से कम 500 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें सिर्फ इमाम साहब मौजिन साहब दोनों ही नमाज अदा करते हैं। हम बाहर के लोग थे, हम थे जमात में शरीक, लेकिन हम तो बाहर से आए थे ना, रोज तो नहीं होते। अगर हम ना होते तो वो दोनों ही पढ़ते थे नमाज। ये हालत है जहालत की। मैंने पूछा इमाम साहब से कि इतनी बड़ी मस्जिद काहे को बना रहे हो जिसमें दो आदमी को नमाज पढ़ना है, इतनी बड़ी काहे के लिए बना रहे हैं? तो बोलने लगे कि शबे बरात में फुलां पीर साहब आते हैं तब भर जाती है ये। बरस के 12 महीने में एक रात भरने के वास्ते, वो भी नमाज के लिए नहीं, बयान के वास्ते, भरने के वास्ते 3 करोड़ किसी बंदे के सर्फ करारे एक शेख के अरब के, 3 करोड़ खर्चा था। ये है मसाजिदुहुम आमिरतुन। हुजूर ने फरमाया कयामत के जमाने में मस्जिदें तामीर से आबाद होंगी, हिदायत से वीरान। ये तामीर से आबाद, हिदायत से वीरान। मेहनत करो दोस्तों, मस्जिदों को सजदों से आबाद करो, चाहे छप्पर की मस्जिद लेकिन सजदों से आबाद हो, नमाजों से आबाद हो, अजानों से आबाद हो, इसकी कोशिश करो। अल्लाह ये इमारतों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तो देखता है अपने बंदों के कुलूब को, अपने बंदों के आमाल को। वही नहीं है तो बिल्डिंगें क्या करेगा अल्लाह लेके? अल्लाह को तो चाहिए नहीं है तो सब खत्म करने वाला है अल्लाह ताला, पूरी दुनिया तहस नहस करने वाला है एक दिन, तब ये मस्जिदें भी नहीं रहेंगी। अल्लाह ताला सब खत्म करने वाला है, तो ये लेके क्या करें हम जब ये आबाद ना हो तो? मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हर बेनमाजी को नमाजी बनाएं, अगर अल्लाह के कहर से बचना चाहते हैं, हालात को और खराब होने से बचाना चाहते हैं, तो हर मोहल्ले में मेहनत हो कि एक एक मुसलमान नमाजी बन जाए, इसकी मेहनत की जाए। और दूसरे ये मैंने बताया कि कतअ रहमी अगर है तो खत्म, कितना नफ्स पे शाख हो जाओ, मिल लो और सब ठीक है भाई, जो हो गया मैं ही गलती पर हूं, माफ कर दीजिए, आइंदा हम मिलजुल के मोहब्बत से रहेंगे, खत्म करो रिश्ता। हाँ इतना गुंजाइश है कि बाज रिश्तेदारों से जमता ही नहीं, तो मोहतात रहो, इसकी इजाजत है, मोहतात रहो मगर हक हक शरई अदा करते रहो, दोनों को जमा मत करो, क्योंकि बाज लोगों से बहुत तकलीफ पहुंचती है, कभी उनके अखलाक से, कभी उनके मामलात से, तो आगे एहतियात बरत लो, लेकिन हक अदा करते रहो ताकि रिश्ता टूटे नहीं और अल्लाह की रहमत से हम महरूम न हों, इसका ख्याल करते हुए हमें यह अमल करते रहना चाहिए। इसलिए इन दो बातों की तरफ बतौर खास सब लोग तवज्जो दें।
जितने यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं वो अपनी उम्र के लोगों में और जितने नौजवान हैं अपनी उम्र के लोगों में बराबर फिक्र करो, खुद से करो। ये नहीं कि साहब वो तबलीग जमात गश्त करेगी, जमात का अपना काम है, जब करना है करेगी, उसका दिन मुकर्रर है, उसका टाइम मुकर्रर, अपने हिसाब से आप रोज करो, हर महल्ले वाला करे, हर एक अपनी फिक्र समझ के करे, हर एक मैं मुसलमान हूं, मेरी जिम्मेदारी है लोगों को नमाजी बनाना, इस जिम्मेदारी के साथ आप करो। सब लोग मिलके जब कोशिश करेंगे तो काम होगा, लोगों की समझ में बात आएगी। हाँ अलबत्ता लोगों को बुलाने में, दावत देने में अखलाक और तमीज के साथ बात करना चाहिए, ऐसे ना बोलो कि वो और जिद्दी हो जाए, ऐसे तरीके से हिकमत मौका मसलहत देख के समझा के मुनासिब तरीके पर प्यारे अल्फाज में और खुलूस और खैरख्वाही के जज्बात के साथ बोलो, इंशाल्लाह असर होगा। एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन ना सही, महीना दो महीना ना सही, बरस दो बरस ना सही, किसी दिन तो समझ में आ जाएगा और किसी दिन तो वो अल्लाह के घर का चाहने वाला बन जाएगा। इसकी कोशिश को जारी रखना हालात का भी तकाजा है। अल्लाह ताला अपने करम से तौफीक अमल नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।